ये आ गई मैडम अपने बाप अच्छा की। चलो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। अरे वाह भाई, आयम को ये क्या क्या मिला, किसने दिया आपको ये? बनता था प्रमोशन नहीं, शेफ ब्राइड वालों की, बस ऐसे ही बता रही थी, क्योंकि फिर आप सब बोलेंगे मसाला क्या डाला, तो इसलिए बता दूं कि मैं भूख लगी। रमी भाई यहाँ पर बैठी हुई है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, और हम लोग जो है मैं और इकरा इनको देख रही हूँ कैसा आटा वाटा कुत्तों में नहीं करती काम, इनको देख जी। रोना बंद हुआ आपका, क्या लेना है चीज में, क्या लेना है, हैं? कभी भी हम लोगों को शॉपिंग जब भी देखने देती है ना परीक्षा की, शॉपिंग पे जा रहे हैं तो परीक्षा को होता है कि पहले मैं कहीं ना कहीं चली जाऊँ, तो ये चीज़ें लेने जिद कर रही है और अब चीज़ें लेने जा रही है ये मैडम। ये आ गई मैडम अपने बाप अच्छा की। चलो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ, आ जाओ फास्ट 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 फास्ट। चलो ये लो, ये अम्मी की चीज़ें हैं, इसमें आपकी चीज़ें, ठीक है बाय बाय जी। ये मैडम अब निकल गई, अब हम निकलते हैं शॉपिंग। तो जी पहले भाई ठंडी आ गई थी, अभी हमने गरम गरम मंगवाई है, चलो वापस गरम गरम खाते हैं। पहले हम लोग थे एट्रियम में, फिर हमने खाना छाना खाया, पेट शर्ट भरा, अभी भी कपड़े बच्चों के प्रॉपर सारे नहीं आए, तो अभी हम लोग सेंट्रल मॉल आए हैं और यहाँ पर शर्ट्स वगैरह देख रहे हैं हाइम परीक्षा के लिए, कि जो पॉसिबल होता है तो वो लेते रहते भाई। तो दीदी तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर, और घर पे भाई बन रही है हमारी चाय, शाय का टाइम हो चुका है, और अभी इस वक्त जो है पापा जो है ना सामान वामान लेकर आए, ये सब चीज़ें निम्बू खजूर शरबत वरबत ये सब चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से हम लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं तो माशाल्लाह से भाई यहाँ पर सब देने करने वाले हैं, और हमें दो दिन से शबे बारात में भी काफ़ी इस तरह के तोहफे आए थे रमज़ान के, और हमारे नेबर्स में से भी इस टाइप के गिफ्ट्स आए थे रमज़ान के, गिफ्ट जो होते हैं ना शरबत खजूर वो वाले, तो भाई जब उन्होंने हमें याद रखा तो क्यों ना हम उनको याद रखें, तो भाई पापा ये सारा सामान वगैरह लाएं, तो हमारे कुछ पड़ोसी हैं तो हम उनको देंगे, सो बनाते हैं प्रेशर है, और इकरा जो है जाएंगी देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कोई रमज़ान मुबारक ऐसे करते हैं, ऐसे गले मिलो, गले मिलो, ये चीज़ गल हाथ कहाँ है, गले मिलो, गले मिलो, सही से मिलो, ये अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक की गले से मिलो यार, ऐसे झप्पे शप्पे पालो, रमज़ान मुबारक यार, बोलो तो सही, आसान मुबारक, और सबको बोलो, वहाँ सबको बोलो मुबारक, क्या मुबारक, असामन मुबारक, अरे बोलो रमज़ान मुबारक भाई, नहीं बस भाई परेशान नहीं, आसान मुबारक भी बोल रहे ना बहुत बड़ी बात होती है। अरे वाह भाई, आयम को ये क्या क्या मिला, किसने दिया आपको ये, आगे वाली आंटी ने दिया भाई, आयम खान जो है सबको सामान वगैरह चाची के साथ देने गए थे, तो जो है चाची को और आयम खान को जो है ना भाई गिफ्ट भी मिले, थैंक यू बोला आपने कि नहीं बोला, थैंक यू कोई बोल लेता, कोई थैंक यू, परीक्षा को इतना बोला परीक्षा नहीं गई, आयम चले गए, आयम को मिल गए भाई, मजे ही मजे। तो जी आज जो है ना तफाकिया, मैंने जो है ना अचार गोश्त का ये पूरा मसाला वगैरह बना के ना रखा हुआ था, और आज जो है अचानक से हो गई सहरी, तो चांदवा नज़र आ गया अभी माशाल्लाह से, तो अभी जो है हम सहरी की तैयारी पकड़ते हैं और ये जो है पूरा रेडी वगैरह करते हैं अचार गोश्त। जो मसाला जो है जो मैंने अचार गोश्त का बनाया बेसिकली वो शेफ ब्राइड का बनाया, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ और जब अपने घर पर भी थी तो हमारे घर में अचार गोश्त जो ऐसी का ही बनता था, प्रमोशन नहीं शेफ ब्राइड वालों की, बस ऐसे ही बता रही थी, क्योंकि फिर आप सब बोलेंगे मसाला क्या डाला, तो इसलिए बता दूं कि मैंने कुछ कोई फनकारी नहीं की, किसी का पैकेट डायरेक्ट बस चिकन में मैरिनेट किया, दही अदरक लहसुन का पेस्ट और इसका पैकेट, तीनों को मैरिनेट करके फ्रीज में कर दिया था। अच्छा अभी जो है मैंने सिर्फ ऑयल में सिर्फ चिकन डाली है, ठीक है, अभी जो है तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट भूना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम टमाटर डालते तो जो दही है और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो कच्चापन थोड़ा देता, तो मैंने ऑयल में थोड़ी देर इसको भूना है 5-10 मिनट, और अब जो है हम लोग टमाटर का प्योरे डालेंगे पूरा, अब जो है ये टमाटर प्योरे इसमें पूरा मिक्स होगा, ठीक है ग्रेवी बनेगी पूरी। ओके जी, तो अभी वक्त हो गया है सहरी का, और प्लीज़ मेरी घड़ी पे मत जाना क्योंकि उसके सेल ख़राब हो चुके हैं, टाइम आप लोग देख सकते हैं कि 2:26 हो रहे हैं, ओ 26 मिनट। ओके जी, तो अभी जो है हम आटा वाटा गूंद रहे हैं, और जो है हाय नो ना बेबी, ये तंग कर रहे हैं मुझे जो है ना,
गुस्सा आ गया है, नाराज हो गया मुझसे, लाइटें बंद कर रही थी। अच्छा भाई, जो मसाला है जीरा कुटी में मेरी धनिया, ये वाली रोटी जो है ना बन रही है, ये उसको बहुत पसंद है तो उसके स्पेशली बन रही। क्या मसला है भैया आपके साथ, क्या मसला है? मेरे से लड़ाई हुई है। तो लड़ाई होगी तो किचन की लाइटें बंद करोगे? शहरी नहीं बनाए हम लोग, तो कैसे बनाए हम? रोजा क्या होता है बताएं, रोजे में क्या? रोजा रखोगे कल आप? बताए क्या करोगे? रोजा पता है क्या होता है बता रहे आप, तो आप बताओ ना मुझे। रोजा होता है मतलब खाना पीना। वाह वाह, हाई फाई कर दो इस बात पे। आप रखोगे रोजा? क्यों, सवाब मिलेगा आपको, पता है बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा इस बात। भूख लगी। रमी भाई यहाँ पर बैठी हुई है, कुरान शरीफ पढ़ रही है, और हम लोग जो है मैं और इकरा इनको देख रही हूँ कैसा आटा वाटा कुत्तों में नहीं करती हूँ काम, इनको देख रही हूँ। और मैं और इकरा जो है हम लोग किचन में फिलहाल रोटी छोटी और लस्सी भी बन रही है और खाना भी बन रहा है। सो अभी आटा वाटा गून कर और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अगर आप लोग परीक्षे का पूछेंगे, परीक्षे कहाँ है, परीक्षे कहाँ है, परीक्षे सो रही है दादू के हाथ पे, अरे जी। रोटी जो है हमने पूरी मसाले वाली बनाई है और अभी सब जो है गर्मा गर्म खा रहे हैं। इकरा यहीं पर ही थी, साथ बना रही थी मेरी, तो मैंने कहा जब तक बिलाल आ रहा है, क्योंकि मैं बिलाल के बगैर खाना खाती नहीं, तो मैं बिलाल का कर रही हूँ वेट, तो जब तक सबको मैंने कहा भाई गर्मा गर्म पराठे खा लो। तो अभी जो है पराठे बन रहे हैं हमारे घर में, तो वक्त थोड़ा सा और टाइम देते हैं। और ये पूरी जो है मसाले वाली रोटी है, इसमें धनिया जीरा और कुटी में मिर्च और नमक और ये सब डला हुआ है। पराठे वराठे बना लिए क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम मैंने नहीं देखा। टाइम हो रहा होगा तो 3। झूठी बोले, 4:30 हो रहे हैं। 3 बजे से कहां से 4:30 घर पर आए? 4:30 हो ही नहीं रहे, बोला मैं मोबाइल लाइट। 4:30 हो रहे हैं आप, 4:30 बजे घर आए और अभी हमारे पराठे बन रहे हैं। मैं खाने वाली रोटियां बनाऊंगा। ये पराठे तो जी हमारे बिल्कुल फाइनल पराठा है आज की सहरी का, और जो है अभी हम लोग सहरी करने वाले हैं, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ओके जी भाई, हमारे साथ है परीशे खान, पीछे हमारे हैं आयम खान, हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं। हेलो आयम खान। हाय। सहरी करनी है? सहरी कर रहे हैं। और आप कल कौन सा रोजा रखने वाले? बाबा को तो बताया ही नहीं। रोजा क्या होता है? रोजा का मतलब खाना बंद होगा, पर आयम तो खाने पीते रहेंगे ना। आयम का तो रोजा नहीं ना, आयम छोटे है ना, है ना? जो बड़ा होता है वो रोजा रखता है ना सिर्फ। और परीक्षे आप बताए रोजा क्या होता है? खाना। परीक्षे का मतलब खाना, रोजे का मतलब होता है बहुत मजे का है। परीक्षे को नहीं पता, परीक्षा छोटी है ना अभी, वो बताओ। भाई से पूछो। हाय माँ, आप बताओ। चले भाई, इनका तो लगा रहेगा, हम लोग अपना खाना शुरू करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई है और अभी जो है जल्दी से फ्रेश होते हैं और नमाज वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि फजर की अजान अभी होने वाली है। 10 मिनट हुए हमारे अभी बिल्कुल, मतलब अचानक से खाने के बाद मेहमान आ गए अचानक से, तो वो ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार ये लोग। ओके जी, तो वक्त हुआ है फजर की अजान का और मेरी घड़ी अभी तक सही नहीं हुई है, इसका सेल नहीं डला हुआ, तो अभी फ़िलहाल मेरी घड़ी में हो रहे हैं 9:15। तो अपना व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि मुझे अभी नमाज वमाज पढ़नी है। सो सबको फिर से एक बार रमज़ान मुबारक, और मेरा ये व्लॉग बनाना जो रमज़ान में है ये पहली बार है, होपफुली कि मैं इसे अच्छे तरीके से लेकर चलूँ, उम्मीद है मुझे पूरी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग पर मिलेंगे आप लोगों से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।